only want good vibes around me tonight. No negativity in my life, just good vibes, that's what I like. So I don't need you waiting on my... Good afternoon. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल का सब सब आशा करती हूँ अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो या जे संडे, संडे मतलब फंडे, तो संडे के दिन कुछ थोड़ा सा स्पेशल मार्केट होता है खाने पीने का, तो देखते क्या लेके आए संडे को फंडे बनाने के लिए। तो चलो उसको देखते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नए आ रहे हो, जो पुराना व्यूअर से मेरा, वो जो मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े हुए हो मेरे साथ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, ठीक है। तो जब भी कोई मेरे चैनल में नए आना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे लेके आए हैं रो फिश, और इसमें लगता है चिकन है। चिकन बिना संडे तो हो ही नहीं सकता। लेके आए चिकन, चिकन देखते हैं। क्रिश कहता है मुझे चिकन पुलाव खाना है, मतलब ग्रेवी वाला चिकन बनाना और पुलाव अलग से बनाना, वो खाना है इसे, उसको बहुत पसंद है ये। तो नॉन वेज में बस चिकन ही खाता है और कुछ नहीं खाता वो, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लेके आते इसके लिए, जैसे थोड़ा सा फ्रीज में रख देती हूँ, जब मन करता है तो उसको बना देती हूँ। तो चलो इसको साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर बाद में बात कर लेंगे आप लोगों से। चलो आओ शाम की चाय पीते हैं। ईशा रानी ने चाय बनाया तो एक कप ज़्यादा बन गया, कह रही मेरी चाची को बुला लो, मेरे चाची पिएगी चाय। मैंने कहा चाची को बुलाने की ज़रूरत नहीं, चाची अपना आप आएगी, मैंने को फ़ोन किया था, कह रहे दीदी मैं आऊँगी। अच्छा, तो मैंने कहा ढक के रख दे। तो चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी ज़रूरी है। तो इसको यहाँ पे बिस्किट रखा है, टोस्ट वगैरह क्या क्या रखा है सब निकाल के ले रही हूँ। तो आ जाओ मेरे साथ और ईशा के साथ बैठ के शाम की चाय पीते हैं। चलो ईशा लेके जा रही है चाय, मैं आ रही हूँ उसके पीछे पीछे। तो मेरे ईशा को अगर आप खाना ना दो और दिन में 3-4 बार उसको चाय पिला दो, तो बस और कुछ नहीं चाहिए उसको। तो मैं कह रही इसको बिछा के बैठ जाने, तो बिस्तर विस्तर गंदा कर लेगी। बिछा दिया। चलो आ जाओ, हम दोनों माँ बेटी चाय की मज़ा ले रहे हैं, आप लोग भी आ जाओ। वो मोबाइल में कुछ देख रही है, कुछ सीरियल वगैरह, तो मैं भी देख रही हूँ, मज़ा आ रहा है देखने में। तो मैं उससे बोलती जा रही हूँ, वो तो बड़ी ध्यान से मोबाइल में ही मतलब ताक लगा के बैठी है। मैंने चिकन विकन मतलब रो फिश जो लेके आए थे उसको मैंने साफ सफाई करके रख दिया, अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी, मतलब डिनर की तैयारी में कंप्लीट करके आई हूँ। जो जो मसाला वगैरह रेडी करना है, बस अभी चाय वाय पी के थोड़ी देर बाद जाऊँगी बनाने। तो चाय अकेला पीने में मज़ा नहीं आता, अगर कोई पार्टनर हो ना पीने में, बातों बातों में पीते रहो तो मज़ा आता है। तो मेरे देवरानी भी आने वाली है, उसको जब आएगी तो उसको गर्म कर दूंगी, हम लोग पी लेते हैं। तो देखो ईशा की चाय ठंडी हो रही है, बस पता नहीं क्या लगाया उसने, देखती जा रही है, देखती जा रही है। देखो ईशा क्या मजाक कर रही है आप लोगों से। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, जो रो फिश लेके आए थे ना उसको काट के धो के रखा है, उसको फ्राई करके रख दूँगी। मैं ज़्यादातर फ्राई करके ही रखती हूँ, जब बनाना होता है ना झटपट निकाल के बना लेती हूँ। तो डीप फ्रीज में डीप करके रखना, फिर उसको पानी में डालो, बर्फ़ पिघलाओ, बड़ा झंझट वाला काम है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे हस्बैंड को पसंद भी नहीं है वाला मछली। तो बिल्कुल ताज़ी लेके आए ना पानी वाला, तो ऐसे इसको फ्राई करके रख के बनाते हो तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो चलो इसमें पहले थोड़ा सा नमक हल्दी लगा लेते, फिर
फिर इसको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में दे दिया तेल, तेल को गर्म होने दो। कैमरा स्टैंड थोड़ा सा ऊपर रखा है ना तो दिख नहीं रहा है पास से, अभी दिखाऊंगी। तो ये लो, मछली का जो हेड होता है शार्क, उसको मैंने पहले फ्राई करके उठा लिया। बाद बाकी मैं इसे फ्राई करती जाऊंगी एक एक करके। चार पांच पीस करके डालती जाऊंगी और गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करती जाऊंगी। ज़्यादा नहीं, मतलब मीडियम फ्राई करूंगी। ज़्यादा फ्राई करने से इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो मेरे घर में रॉ फिश ज़्यादा चलता है, छोटे छोटे मछली भी लेके आते तो रॉ फिश ज़्यादा, मतलब ईशा को पसंद है। पेट की हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा नहीं खाती है वो, उसमें काटा ज़्यादा होता है, जो पेट की तरफ होता है ना उसकी पेटी कहते हैं उसको, वो ज़्यादा पसंद है उसको। चलो इसको मैंने फ्राई कर लिया, अब ठंडा होने के लिए रख दूँगी फिर। तो ये दूसरा दिन सुबह, आज मंडे है, तो हमारे काज काम साफ सफाई हो गया। मैं सोच रही सब्जी वब्जी काट के रख के फिर नहाने जाऊंगी, तो मैं फटाफट सब्जी वगैरह काट रही हूँ। जो जो मुझे पकाना है दोपहर के लिए, बनाना है, उसको मैं काट के धो के रेडी करके फिर जाऊंगी नहाने। तो दोपहर की लंच वगैरह हमने कंप्लीट कर लिए, आ गई शाम को, मत शाम नहीं, 3:30 हो रहा है, पार्क में आई हूँ थोड़ी सी वॉकआउट करने। क्रिश भी आया हुआ है, डेली कहता है मम्मी चलो चलो, तो मैं कहती चलो, लेटे लेटे शरीर बढ़ाने से अच्छा वर्कआउट कर लेते हैं। ये दोनों राजकुमारी आ रही है मेरी, हाय बोल रही है आप लोगों को, ये क्रिश है, झूला झूल रहा है, तो बस यही करने के लिए आता है पार्क में। अरे ये मेरी छोटी सी नन्ही वाली राजकुमारी जो गिर गई अभी, झाड़ के दे रही है उसकी दीदी। तो अब बॉल खेलेगी, आप लोगों को हाय बोल रही है। इसका नाम तनिष्का है, मेरे भातीजी। अब ये जो बोल रही थी ना दोनों राजकुमारी, उसमें से एक है, ये घर चली गई, उसको ट्यूशन का टाइम हो गया। इसका नाम रिमझिम है, मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी है। तो दोनों बहनें खेल रही है। तो मैं आ गई घर, तो कुछ कपड़े गंदे हो रहे थे, उसको धोना था, मशीन में डाल दिया पानी। अब डाल दूंगी इजी, मतलब थोड़ा सा गर्म कपड़ा तो सर्दी में होता ही होता है सबके पास, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पहले गर्म कपड़ा डालूंगी, तो इस करके मैंने इजी डाल दिया, गर्म पानी नहीं डाला। गर्म पानी डालने से ना उलन वाला कपड़ा जो ख़राब हो जाता है, मैंने देखा है। तो ये डाल देते पहले उलन का ही, तो बाद में बाद बाकी नॉर्मल कपड़ा डाल देंगे। तो इसको होने दो, ज़्यादा नहीं है, 3 कप था मैंने डाल दिया, बाद बाकी बाद में डाल देंगे। ये क्रिश का, एक ईशा का, एक मेरा। ये देखो जो बाद बाकी कपड़ा है ना, किसको किस टाइम डालना है स्टेप बाय स्टेप, तो मैं उसको अलग अलग करती जा रही हूँ। मेरी अलग से डालूंगी, ईशा की अलग से डालूंगी, क्रिश की तो मैंने इसके पापा के साथ डाल देती हूँ, इसके पापा वाले कपड़े के साथ मैं अपना अलग करती जा रही हूँ। बेडशीट वगैरह देखो, मेरा एक स्वेटर रह गया पर डाल दिया मैंने, भूल गई थी उसको डालना, तो सारे कपड़े सीधा करके रख रही हूँ। अब सीधा करके रखती जाऊँगी, फिर एक एक करके डालती जाऊँगी, निकालती जाऊँगी, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं कि करके सीधा करो डालो फिर टाइम लग जाता है। तेलो सारे कपड़े मैंने सीधा कर दिए। चलो तो पहले जो मैंने 3-4 डाला था वो हो गया, इसको निकाल लेते हैं। 3-4 खूब सारा हो गया, थोड़ा थोड़ा करते करते। परसों धोई थी, परसों नहीं मतलब परसों से भी पहले दिन, 2 दिन बीच में गया, चौथा दिन आज धो रही हूँ, इतना सारा जम गया। सर्दी में बस से कपड़े का ही जर रोना ज़्यादा है, धोना धोना, पहनो धो। तो ये मेरा मशीन है ना पुराना हो गया, टूट फूट गया, 15 साल हो गया इसको, तो मेरा साथ नहीं छोड़ता ये, मैं भी इसके साथ नहीं छोड़ती। मैंने कहा भैया जितने दिन रहना है रह ले मेरे साथ, फिर बाद में देखेंगे, अब तो लेंगे तो ऑटोमेटिकली लेना पड़ेगा।
क्योंकि ये उस टाइम यही मिला था, तब भी बहुत था जब भैया मशीन मिल गया धोने के लिए। आप सोचते यार ये क्या मशीन है, ऑटोमेटिक वाला होता तो अच्छा होता। जैसे दिन जाता है इंसानों की ख्वाहिश बहुत बड़ा होता जाता है। तो चलो धो दिया, इसको ड्राई करने की बारी। एक एक करके ड्राई करते और फैलाते जाते हैं। तो आप लोग कैसे करते हो, क्या कर रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा ये मशीन सूख गया, मैं इसको सब्सिट्यूट डालती जाती हूँ। और भी हो रहा है, मशीन में हेयर ड्राई करने के लिए भी रख दिया है। तो शाम है, मैंने सोचा अभी धो के डाल के रख दे, तो सुबह जब धूप निकलेगा ना सूख भी जाएगा, थोड़ा गर्म गर्म हो जाएगा कपड़ा, तो उतार के ले जाऊँगी। एक दिन में सूखता नहीं है, सुबह दो शाम तक सूख ही नहीं पाता, तो इसलिए मैं शाम को धो रही हूँ, रात तक पड़ा रहेगा ऐसे ही। वैसे सुखाने की जगह की कोई दिक्कत नहीं है, खूब सारे रस्सी बांध रखा है, काफ़ी सारे कपड़े डाल सकते हो यहाँ पे। धूप भी आती है सुबह, तो चलो इसको धो के की बात। फिर शाम हो रहा है, दिया बत्ती भी करना होगा, काम का तो कोई मतलब कुल किनारा नहीं है, ख़त्म ही नहीं है। तो धुल गए सारे, एक एक करके डालती जा रहा हूँ, सारा भर दिया, देखो सारा रस्सी अस्सी भर गया, खूब सारे धोई थी। तो मेरे वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।